Hello friends, how are you? Hope you all are fine. Today in this video we are going to start the next topic, that is physical features of India. इससे पहले स्टार्ट करने से पहले पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उनकी वीडियोज़ देख लीजिए। पार्ट थर्ड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन है, कमेंट बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर जाके आप देख लीजिए। जो पार्ट थर्ड की वीडियो वहाँ पर पार्ट सेकेंड का, और पार्ट सेकेंड में पार्ट फर्स्ट का लिंक गिवन है। और जो पार्ट फोर्थ होगा, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि डिड यू नो के मैं सभी डिड यू नो है उनके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो वो पार्ट फिफ्थ होगा। ओके, सो पार्ट फोर्थ हम स्टार्ट कर रहे हैं। ड्यू टू इट्स वास्ट साइज अवर कंट्री हैज़ लार्ज वराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। हमारी इंडिया कितनी ज़्यादा जगह में फैली हुई, इसके इतने बड़े साइज होने के कारण जो हमारी इंडिया है इसमें बहुत तरीके के बहुत वेरियस अलग अलग लैंड फॉर्म्स और फिजिकल फीचर्स, इसका एक ही मतलब है। लैंड फॉर्म्स कैसे होते हैं, जैसे माउंटेन, डेजर्ट यानी कि पहाड़, रेगिस्तान, आइलैंड्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज। ओके, ब्रॉडली इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग फिजिकल डिविजन्स, और इनको ही मद्देनजर रखते हुए इंडिया को 5 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया, यानी कि माउंटेन्स वगैरह फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, 5 फिजिकल डिविजन्स में। द नॉर्थन माउंटेन्स द हिमालयस, कारोकरम एंड पर्वांचल रेंजेस फ्रॉम द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया। ये नॉर्थन साइड जो दिख रही है ना आपको ज़्यादा डीप ऑरेंज कलर में, सारे नॉर्थन माउंटेन्स है, ठीक है। यहाँ इसी जगह पर हिमालयस भी है, कारोकरम भी है और पूर्वांचल भी है, तो ये नॉर्थन माउंटेन्स फॉर्म करते हैं। उसके बाद द नॉर्थन प्लेन्स, द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया हैव मैनी रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग। जो नॉर्थन प्लेन्स है यहाँ पर फार्मिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि इस जगह से बहुत ज़्यादा रिवर्स गुजरते हैं, देख रहे हैं ना जो ये लाइट ग्रीन कलर में है, यहाँ पर फार्मिंग होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स यहाँ से गुजरते हैं, और ये जो रिवर्स है फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिवर्स फार्मर्स को पानी प्रोवाइड करते हैं। द वेस्टर्न डेजर्ट, द थार डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया सेपरेट्स द कंट्री फ्रॉम पाकिस्तान। और यहाँ पर थार डेजर्ट है वो जो कंट्री को पाकिस्तान से सेपरेट करती है, क्योंकि पाकिस्तान तो यहाँ पर है ना, तो कंट्री को सेपरेट ही करती है। द साउथर्न प्लेट्यूज, प्लेट्यूज आर फ्लैट लैंड फॉर्म्स दैट आर रेज्ड इन द हाइट फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड। हमें पता है प्लेट्यूज वो होते हैं कि जैसे ये ज़मीन है, यहाँ पर एक प्लेट्यू है जिसकी जो टॉप है वो ऐसे प्लेन हो, ऐसे तीखी ना हो, ठीक है, प्लेन हो, उसे हम प्लेट्यूज कहते हैं। प्लेट्यूज आर फ्लैट लैंड फॉर्म्स दैट आर रेज्ड इन हाइट फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, जैसे कि यहाँ पर ऐसे सीधा गया और यहाँ पर ऐसे बन गया, वो ये प्लेट्यू होगा, ठीक है। द ट्रेंगुलर प्लेट्यूज इन साउथर्न इंडिया आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स फॉर द कंट्री। और जो ये है ना, यहाँ पर प्लेट्यूज ही हैं, और जो ये प्लेट्यूज हैं यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं और जो हमारी कंट्री के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, अवर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन स्ट्रेचिंग 6,100 किलोमीटर ऑफ द मेनलैंड। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द आइलैंड्स इन द वेस्ट एंड ईस्ट इज अबाउट 7,500 किलोमीटर। ये मैंने आपको पहले भी बताया है ना, हमारी कंट्री के हमें पता है कि बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, जो कि इतने 6,100 किलोमीटर, अगर हम आइलैंड्स की जो छोटे छोटे आइलैंड इनके को बीच में कोस्ट लाइन इंक्लूड करें तो वो हो जाती है 7,500 किलोमीटर, है ना। तो जो ये एरिया ये सारा किसका है, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। ओके, अवर लॉन्ग एंड पॉपुलस कंट्री इज़ ब्यूटीफुल नॉट ओनली इन इट्स वेरियस फिजिकल फीचर्स बट ऑल्सो इज रिच ऑफ इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशंस। जो हमारी कंट्री है, हमारी इंडिया है, ये बहुत बड़ी है और बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, इसीलिए सिर्फ ब्यूटीफुल और ये इतनी ब्यूटीफुल है, लेकिन ये इसलिए नहीं ब्यूटीफुल क्योंकि बहुत माउंटेंस है, फिजिकल बहुत माउंटेंस है, प्लेट्यूज है, लेकिन इसलिए भी पॉपुलर है, इसीलिए भी ब्यूटीफुल है क्योंकि जो इसका कल्चर है, जो इसका ट्रेडिशन है वो बहुत ही अच्छा है। कल्चर यानी कि इसका रहन सहन, इसका पहन सहन, इसकी लैंग्वेज, इसका ट्रेडिशन, इसके रीति रिवाज, ठीक है। आई होप सो आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जो नेक्स्ट पार्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और कमेंट बॉक्स में भी, वहाँ से जाकर आप प्लीज़ एक बार डिड यू नो देख लीजिए, क्योंकि फोर्थ में हो गया, आपको इनसाइट्स जो आएंगे तो उसे आप प्लीज़ ध्यान से देखना। ओके, चलो बाय, थैंक यू।